एमपी के दमोह जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। जिले में कुछ ऐसे भी छात्र मौजूद हैं जिन्होंने गणित जैसे कठिन विषय में 100 में से 100 अंक अर्जित करके लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। कुछ ऐसे ही विद्यार्थियों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल 100 में से 100 अंक अर्जित किए बल्कि दूसरों के लिए भी शिक्षा के नए नए संदेश दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तेंदुलकर नगर के वार्ड नंबर 1 के रहने वाले अनमोल सोनी की, जिन्होंने एमपी बोर्ड परीक्षा के दौरान एच जैसे कठिन विषय में 100 में से 100 अंक हासिल करके लोगों को आश्चर्य में डाल दिया था। लेके एक लौते विद्यार्थी बनकर उभरे थे अनमोल सोनी। मैंने 2013-14 में अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की थी, जिसमें मेरे गणित में 100 में से 100 अंक मिले थे। उसका सबसे पहले श्रेय तो मैंने अपने टीचर को दिया, क्योंकि उनकी लगातार प्रैक्टिस की वजह से मेरा गणित का जो है टॉपिक बढ़िया क्लियर हुआ और मेरे गणित में 100 में से 100 अंक मुझे प्राप्त हुए। उसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो मंथली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, आप उस पर ध्यान दें। आपकी जो प्रैक्टिस होती है उस पर आप प्रॉपर ध्यान दें। जो वीकली टेस्ट वगैरह, मंथली टेस्ट वगैरह, उस पर आप प्रॉपर ध्यान देंगे तो साल भर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जो छोटी छोटी आपकी मिस्टेक्स होती हैं वो सारी टीचर्स आपकी क्लियर कराते हैं। आपकी छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, उनकी बातों पर ध्यान दें और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें। सबसे ज़्यादा यही कहना है कि आप अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखेंगे तो आपको गणित में 100 में 100 पाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले तो आपको अपनी टाइमिंग पर ध्यान देना है कि मेरे 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे 1 से लेकर 22 पेज क्वेश्चन जो आपके पूरे होते हैं, पहले आप उनको ध्यान से पढ़ें। फिर आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है कि ईजी सॉल्व होगा, किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम को देखते हुए आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। जो आपका क्वेश्चन जल्दी ईजी होने वाला है तो आप उसमें कम टाइम देंगे, उसको ज़्यादा टाइम लेगा उसको आप बाद में करें। और एक कॉपी में लिखने का एक जो तरीका होता है लाइन बाई लाइन, तो उस पर सबसे ज़्यादा लोगों को ध्यान देना चाहिए। पहले के दौर में तो भाई एमपी जो स्टेट बोर्ड की बुक थी वो लागू थी, अब एनसीईआरटी सिलेबस है पूरा, ठीक है। अब एनसीईआरटी सिलेबस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए हर विषय का, और अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अंदर से पूछे जाते हैं एकदम डीपली। तो स्टूडेंट को अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको बिल्कुल अंदर की तह तक जाना होगा और पूरा मतलब नॉलेज हो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चाहे आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हों, चाहे फिजिक्स की तैयारी कर रहे हों, आपको मतलब पूरा समझ के पढ़ना पड़ेगा। समझ होना चाहिए किसी भी प्रश्न को हल करने की, समझ तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप रटंत प्रणाली के हिसाब से चलेंगे, परंपरागत हिसाब से, तो फिर आप स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसने केवल सीमित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पर अगर आप समझ के पढ़ रहे हों तो आप जितना चाहे उतना स्कोर कर सकते हैं। सर, गणित में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनमें स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होती है हल करने के लिए? ट्वेल्थ के जो टॉपिक हैं उसमें जैसे नया टॉपिक अवकलन समाकलन वगैरह है, ठीक है, या कोई मतलब बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें बच्चों को समस्याएं होती हैं। लेकिन अगर रेगुलर को अभ्यास करते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और गणित में तो कोई विषय नहीं है। अगर वो समझ के पढ़ते हैं तो आउट ऑफ मतलब टोटल मार्क्स ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।